अमरोहा थाना देहात पुलिस ने नकाब लगाकर सराफा की दुकान में डकैती करने वाले चार आरोपी दबोचे। जनपद अमरोहा के गांव ननेड़ा अलियारपुर में राकेश कुमार पुत्र मिश्री लाल की सराफा की दुकान है, जिसकी बीते दिनों अज्ञात चोरों ने नकाब लगाकर दुकान में चोरी की थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक अमरोहा डॉक्टर विपिन तांडा ने पुलिस को आदेशित किया, जिसका अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा अजय प्रताप सिंह ने थाना अमरोहा देहात में प्रेस वार्ता के दौरान घटना का खुलासा किया। बता दें कि राकेश कुमार पुत्र मिश्री लाल निवासी ग्राम घसुरपुर थाना अमरोहा द्वारा ननेड़ा अलियारपुर में अपनी सराफा की दुकान में अज्ञात चोरों द्वारा नकाब लगाकर चोरी करने के संबंध में थाना अमरोहा देहात में मुकदमा पंजीकृत कराया, जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर जीवन राहू पब्लिक स्कूल के पीछे अभियुक्त विशाल पुत्र बसंता, दानिश पुत्र रफुद्दीन, सचिन पुत्र विजय, रफुद्दीन पुत्र रहीसुद्दीन निवासी ग्राम ननेड़ा अलियारपुर को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से सोने चांदी के आभूषण व अवैध तमंचे कारतूस बरामद हुए। इन आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही कर जेल भेजा गया। ये 25/26 की रात को देहात थाना क्षेत्र में एक सराफे की दुकान में सेंध लगाकर चोरी की गई थी। इस संबंध में विवेचना से चार व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से करीब 21 जोड़ी पायल, 60 जोड़ी बिछुए, 3 जोड़ी झुमके, 3 जोड़ी टॉप, 6 हार, तमंचा, कारतूस तथा अन्य चांदी के गहने बरामद किए गए हैं। इनकी गिरफ्तारी करके इन्हें जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ इनके पास से सराफे की दुकान में लगा हुआ डीवीआर, उसमें लगा हुआ सिम तथा जियो का मोबाइल नेटवर्क जो होता है वो भी बरामद हुआ। अच्छा सर, जो चोरी हुई थी कितने रुपए की चोरी हुई थी? इसमें रुपए नहीं गए थे, इसमें सराफे की दुकान थी और जितना भी जेवर गया था लगभग सारा का सारा बरामद हो गया। बरामद जो सर इसमें पकड़े गए हैं, जो इसमें पकड़े गए तो उसमें सर उसमें नाबालिग कितने हैं? ये जितने भी चोर पकड़े गए हैं ये सभी, इनका सबका आपराधिक इतिहास रहा है और ये मोबाइल फ़ोन में अपना सिम लगा के जब बात कर रहे थे उसी के बाद ये पकड़े गए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य चोरी करके धन अर्जित करना था। इससे पहले कहीं घटना को अंजाम दिया कि चोरी की? अभी इस संबंध में छानबीन की जा रही है।